गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। जी हाँ, नया साल स्टार्ट हो गया है और आप सबको अगेन हैप्पी न्यू ईयर। साथ ही साथ इस साल कुछ ऐसा चीज़ें मैं लेके आई हूं जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगी और आप बहुत ज़्यादा जो है इस साल बहुत ही ज़्यादा फिट रहने वाले हो। बिकॉज मैंने एक ऐसी कंपेन शुरू की है जिसके थ्रू हर रोज़ वीडियो में जितने लोग हैं, मैंने पूरी 1000 की लिस्ट बनाई है जिसमें मैंने 1000 लोगों को सेलेक्ट किया है और डेली बेसिस पे, यानी कि 1000 लोग हैं तो मान के चलिए कुछ लोगों का नेक्स्ट ईयर नंबर आएगा, लेकिन हाँ 365 लोगों का इस साल में नंबर आ जाएगा। तो हर रोज़ हर पर्सन का मैं जो है शॉर्ट वीडियोज़ में एक डाइट प्लान शेयर करूँगी। इसके लिए आपको मेरे वीडियोज़ ज़रूर देखने पड़ेंगे कि वो नाम किसका हो सकता है, बिकॉज मैं पहले से नहीं बता सकती। वो लिस्ट आएगी, मैं उस समय जस्ट मुझे पढ़ के बताना होगा कि क्या है। जैसी भी उनको दिक्कत है, जैसी भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मैं बताऊँगी। उनका नाम, उनकी सारी चीज़ें, एड्रेस नहीं, फ़ोन नंबर नहीं, वरना मैं नाम बता दूँगी उनको कौन कौन सी बीमारी है वो, और तो वो समझ जाएंगे। या फिर आपके आपके पास मेरा नंबर हो गया, मुझे मेल करके आप कन्फर्मेशन कर पाएंगे कि ये मेरा ही है, तो मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगी। बिकॉज 1000 की लिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है, इसके बाद जब इन सबका हो जाएगा तब मैं बताऊंगी। अगर बहुत ज़्यादा होगा तो शॉर्ट वीडियोस में मैं दो एक दिन में कर दूंगी, जिससे कि हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा। बिकॉज आई नो कि हर किसी को पेड जो है वो नहीं हो पाएगा कि वो पेड आके प्रोग्राम ले, बहुत महंगा महंगा है। आजकल हर तरफ डाइटिशियन है, हर तरफ कोई डाइट प्लान दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन हाँ मेरी एक छोटी सी कोशिश है जो मैंने इवन कल रात में भी एक छोटी सी कोशिश की कि कुछ सोशल वर्क करना है मुझे इस साल, और जो किया उसकी छोटी सी क्लिप मैं देखूंगी तो लगा दूंगी ना, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, एक बार मैं परमिशन लूंगी। बिकॉज ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर नहीं डालनी है, लेकिन इस साल मुझे सोशल वर्क करना ही करना है, तो फिलहाल मैंने आज ये आप लोग के साथ शेयर किया। साथ ही साथ एक दूसरी चीज़ पे आती हूँ कि मुझे इस साल आप लोगों को के साथ डाइट प्लान शेयर करने ही करने हैं। जितने लोगों भी ने भी मुझे भेज दिया है या जितने लोग मुझसे डाइट प्लान लेना चाहते हैं फॉर अ फिटनेस, फॉर वेट लॉस, फॉर स्किन ग्लो, फॉर हेयर प्रॉब्लम, एनी टाइप का डाइट प्लान, या फिर कुछ मेडिकल चीज़ें, या फिर जैसे मेडिकल चीज़ें नहीं, कुछ हर्बल जो चीज़ें आपको लेना चाहते हो, मतलब कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रही हूँ, जस्ट लाइक आपको बताऊंगी कि किस तरह से, जस्ट लाइक आपको गाइड करूंगी कि कैसे करना है, तो उसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, बींग ब्यूटीफुल सुगम करके मेरी आईडी है, वहाँ पे आके मुझे पर्सनल मैसेज कर लेना, ऑफिस स्टाफ देख लेगा, फिर वो सारी चीज़ें बना के आपको भेजी जाएंगी, जस्ट लाइक व्हाट्सएप पे या फिर आपके मेल पे, वो कैसे भी करके आप तक पहुँच जाएंगी, ठीक है। उसके लिए ये साल, और हाँ इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हर रोज 10 से 10:30 के बीच में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। हाँ पहले से नाम अनाउंस नहीं कर पाऊंगी, उसके लिए आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि आज किसका हो सकता है। आज में भी आपका हो जाए, आज में भी आपका हो जाए, आज में भी आपका हो जाए, तो इसके लिए रेडी रहना। अभी कल से नहीं, ये चीज़ परसों से स्टार्ट होगी, किस तरह से आपको सारी चीज़ें करनी ही करनी है। प्रॉपर इस पर एक वीडियो बना दूंगी, और हाँ भेजते रहिए ताकि आपका नाम भी बहुत ही जल्दी आ जाए। फिलहाल आज के वीडियो, आज के टॉपिक की तरफ आते हैं कि इस साल स्वस्थ रहना है, और जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन सबको भी कहना है स्वस्थ रहना है, वेट लॉस करना ही करना है, उसके साथ स्वस्थ भी रहना है। मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं या फिर व्यूवर्स हैं, लिख के जैसे मैं बहुत सारे मेल्स आते हैं, मैंने यहाँ से वीडियो देखा सुगम, वहाँ से वीडियो देखा, मैंने 6 किलो वजन कम कर लिया, लेकिन मेरे साथ अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं पूरी तरह से टकली हो गई हूँ, या फिर स्किन शाइन चली गई है, या स्किन लटक सी गई है। सो इस तरह से वेट लॉस करना, तो आप एक हफ्ते भूखे रह लो, 10 से 12 किलो चला जाएगा वजन, लेकिन उसके साथ क्या होगा, बाल पूरी तरह से डैमेज हो जाएंगे, स्किन डैमेज हो जाएगी, मतलब आप पतले नहीं दिखोगे, आप बीमार दिखोगे। तो हमारा इस साल का मेन टास्क क्या है कि हमें आपको स्वस्थ रखना है, अच्छी अच्छी चीज़ें खानी है। तो ये जो आज का है वो मैं फुल आपको डाइट प्लान दूंगी, मॉर्निंग ड्रिंक से लेकर रात के ड्रिंक तक, ताकि जो लोग ज़्यादा वीडियोस नहीं देख पाते हैं उनके लिए अगर उन्होंने ये वीडियो भी देखा तो सफिशियंट है कि वो ये वीडियो देख के अपनी डाइट फॉलो कर सकते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खा सकते हैं, साथ ही साथ बाल नहीं झड़ेंगे, स्किन डैमेज नहीं होगी, स्किन लूज नहीं होगी, जो कि सबसे ज़्यादा मेन होता है गर्ल्स के साथ या फिर जेंट्स के साथ। तो वो वेट लॉस करने के बाद भी वो जो जब लटकी हुई स्किन आपके सूट पे नजर आती है या फिर जीन्स पे नजर आती है, वो बहुत बुरी लगती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें, मतलब कुछ चीज़ें नहीं, एक फुल डाइट प्लान शेयर कर रही हूँ, जिससे कि जो आपको वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो क्या है, कैसे? मॉर्निंग ड्रिंक के लिए आपको चाहिए 1 कॉफी मग जो है पानी चाहिए,
पानी आपका बॉयल होने के लिए रख देना है। देन उसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे आपको यहाँ पे आंवले लेने हैं, मैंने इस तरह से मंगवाए हैं बिकॉज मैं जा नहीं पाई मार्केट से, तो मैंने मुझे ऑनलाइन मंगवाना पड़ा। एक आपको जो लेना है आंवला इस तरह से फ्रेश बिल्कुल आंवला, और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। ये आपका एक आंवला हो गया। उसके बाद आपको लेना है करी लीव्स, मान के चलिए 20 से 25 आप करी लीव्स ले लेना। तो ये आपको डालना है पानी में। एज यू नो मैंने यहाँ पे एक आंवला लिया है और करी लीव्स ली है, और इसे अच्छे से जो है हम पकने देंगे। तो एक आंवला एक करी मतलब करी लीव्स के 20-25 जो है पत्ते वो आपको लेना है, और इसे बहुत अच्छे से बॉयल होने देना है। ये दोनों ही क्यों, आपका सबसे पहले क्वेश्चन यही होगा कि ये दोनों ही क्यों। बिकॉज करी लीव्स बहुत ही अच्छी आपकी बॉडी को अंदर से क्लीन करेगी, जितनी भी गंदगी है वो बहुत अच्छे से क्लीन करेगी। आंवला एज यू नो मैं बिल्कुल प्योर ले रही हूँ, कोई भी आपको जूसेस यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। लॉट्स ऑफ फाइबर होता है, स्किन बहुत अच्छी करेगा, बाल बहुत अच्छे रखेंगे, आपके नेल्स बहुत अच्छे लगेगा, और वेट लॉस में यू नो कि विटामिन सी कितना ज्यादा बेनिफिशियल होता है, और फाइबरस हर चीज आपके वेट लॉस में बड़ी ही हेल्प करेगी। तो इसे हम बहुत अच्छे से बॉयल होने देंगे, हमें पानी कम नहीं करना है, हमें इसके सारे स्टार्ट लेने हैं। तो पहले तो हम गैस को बहुत तेज रखेंगे, देन उसके बाद हम इसे स्लो कर देंगे और ढक कर पकाएंगे। मैंने इसे यहाँ पे ढक दिया है, जब ये जो है अच्छे से बबल्स आने लगे थे, अब मैं फ्लेम को बिल्कुल धीरा कर दूंगी और इसके बाद इसे ऐसे ही पकने दूंगी 3-4 मिनट्स तक, ताकि इसके सारे एक्सट्रैक्ट इसमें आ जाएं। तो यहाँ पे हमारी जो ये मॉर्निंग ड्रिंक है वो बनके रेडी है। पानी जो है मेरा थोड़ा सा ज़्यादा बॉयल हो गया था बिकॉज मैं थोड़ा सा दूसरा काम करने लगी थी, लेकिन ठीक है मैं इतना ही पी लूँगी। वैसे तो आपको 1 कप मग भर के ही लेना है, आज मैं थोड़े दूसरे काम में लग गई थी तो मेरा मॉर्निंग ड्रिंक इतना ही बना है, लेकिन हाँ एक्सट्रैक्ट्स पूरे हैं इस पानी में, इसलिए मैं पूरा ये पानी लूँगी। ये आपको सुबह खाली पेट पीना है फ्रेंड्स, ये यकीन मानिए ऑसम मिरेकल रिजल्ट होंगे आपकी बॉडी पे, तो ट्राई जरूर करना। फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें वेजिटेबल्स लेनी है वो लेना है प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च, गाजर, चुकंदर, जो भी वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल हो। मेरे पास ये सारी चीज़ें वैसे मैं स्टोर करके ही चलती हूँ बिकॉज मैं डेली बेसिस पे इन सारी सब्जियों को लेती हूँ। तो आप इसके लिए चॉपर भी यूज़ कर सकते हैं चॉप करने के लिए, या इस तरह का कद्दूकस भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं गाजर हो गया और चुकंदर हो गया उसके लिए कद्दूकस यूज़ करती हूँ, लेकिन चॉपर में टमाटर और शिमला मिर्च। तो इस तरह से मैंने ये देखिए नीचे की सब्जियों को जो है वो मैंने कद्दूकस किया हुआ है, ऊपर की सब्जियों को मैंने चॉप किया हुआ है। तो इस तरह से आप सब्जियों को चॉप कर लेंगे तो आपको खाने में ज़्यादा ईजी होगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या रहेगा, वो हम लेंगे बेसन, और इसकी जगह आप रागी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, आटा कोशिश करके मत लीजिएगा। देन उसके बाद मैं लूँगी यहाँ पे इसमें अलसी के ढेर सारे दाने, और ये कोशिश करके आपको डेली बेसिस पर अपनी डाइट में ऐड करना है बिकॉज इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे बड़ा सोर्स है ये, तो इसीलिए मैं इसे यूज़ करती हूँ। इसके बाद पिंच ऑफ काली मिर्च आपको ऐड करना, और ये भी आपको अपने डेली लाइफ में ज़रूर ऐड करना है। देन इसके बाद मैं इसमें सेंधा नमक या फिर पिंक सॉल्ट डालूंगी, नॉर्मल सॉल्ट मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ अपनी डाइट में। तो इस तरह से ये आपका जो है बेस रेडी है। देन इसके इस तरह से आपको इसे इसकी जो बैटर है वो रेडी करना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर तवा चढ़ा दिया है और इसमें मैंने डाला है ऑलिव ऑयल, और इस ऑयल में मान के चलिए आपका बन जाएगा। बस तवे को एक बार आपको जो है अच्छे से ऑयलिंग देनी होती है, देन इसके बाद इस तवे में आपको ऑयल की जरूरत नहीं पड़ती। ये है बंडर शेफ का, जो कि मुझे काफ़ी पर्सनली पसंद है, तो ये मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ अपनी डाइट के लिए। देन उसके बाद आपको इसे पूरे उसमें फैला देना है अच्छे से। आप छोटा बनाएं बड़ा बनाएं, फिलहाल तो मैं एक आपको बड़ा बना के दिखा रही हूँ, देन आपको मैं छोटा भी बना के दिखाऊंगी। तो इस तरह से मैं इसे पूरे तवे पे फैला दूंगी, अगर छोटा तवा है तो ज़्यादा बेटर है, वरना आप इस तरह से बड़े, और हाँ ये बहुत आसानी से पलट जाता है। आप इसमें इस तवे में चाहे सूजी का चिल्ला बनाएं चाहे जिस भी चीज़ का चिल्ला बनाएं, बहुत आसानी से पलट जाता है, जो कि नॉर्मल तवे में नहीं होता। और बहुत ही लेस ऑयल में आप चीज़ें जो है इस पर बना सकते हैं, आप पनीर फ्राई कर सकते हैं इस पर,
सॉटे बहुत अच्छे से चीज़ें कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे इस चिल्ले को अच्छे से फैला दीजिए, देन उसके बाद आप इसे अच्छे से पलट के मतलब पूरा अच्छे से पका लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने चिल्ला पलट दिया है और इतना बड़ा चिल्ला आसानी से ना फटा है ना कुछ हुआ है, मैंने बहुत ही दबा दबा के इस चिल्ले को पका दिया है। देन इसके बाद मैं इसमें फ़ाइबर ऐड करूँगी, यानी कि लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स जो मैंने इसमें डाली थी वो ऐड करूँगी। आप उसमें नमक डाल सकते हो, दही डाल सकते हो, मेयोनीज़ और नहीं डालती घर की बनी मेयोनीज़ हो तो डाल सकते हो जो दही और चटनी के साथ। देन आप इसे पलट दो और आपका ये जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है वो रेडी है। आप ऐसे दो चिल्ले आराम से खा सकते हैं। इसके बाद मैं इसका ये देखिए मैंने इसमें सब्जियां ऐड की हैं, देन मैं एक छोटा भी आपको बना के दिखा रही हूँ, तो कि छोटा भी बहुत अच्छे से बन जाता है और पलट भी जाता है, तो बना के ट्राई ज़रूर करिएगा। सो यहाँ पे जो मैं सेकंड ऑप्शन दे रही हूँ बहुत ही इजी सा वेजिटेबल जो है आपको सैंडविच लेना है, 2 मल्टीग्रेन ब्रेड्स आपको लेनी है और उसमें खूब सारी आपको जो है वेजीज ऐड करनी है और अलसी के दाने ऐड करने हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, मैं आपको दिखा भी दूंगी कि कौन कौन सी वेजिटेबल्स आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। जस्ट लाइक टमाटो, एक और एक कप बिना शक्कर वाली चाय मैं इसमें ज़रूर लेती हूँ, बिकॉज मैं चाय के बिना नहीं रह सकती। यहाँ पे मैंने डाला है गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और खूब ढेर सारी अलसी और बहुत ही पिंच ऑफ सॉल्ट। तो ये मेरा सुबह का कभी कभी ये मैं ऑप्शन में ले लेती हूँ। आफ्टर ब्रेकफास्ट मैं जो लेती हूँ 20 मिनट बाद वो मैं लेती हूँ गुनगुना पानी, और 2 to 3 स्पून मैं लेती हूँ एलोवेरा जल जिसमें पल्प होता है, और कम से कम 8 से 10 नीम की पत्तियाँ। तो ये मेरा जो आफ्टर ब्रेकफास्ट जो ड्रिंक होता है वो मैं ये लेती हूँ। इससे आपकी बॉडी की स्वेलिंग जाएगी और आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई रहेगा, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो अब इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी लंच जो कि विंटर स्पेशल लंच है। सो फ्रेंड्स इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे मूंग की दाल छिलके वाली, बिना छिलके वाली आपको नहीं लेनी है, बिकॉज सारा कमाल इस छिलके का ही है, जिसमें लॉट्स ऑफ फाइबर होता है, लॉट्स ऑफ प्रोटीन होता है, और ये छिलके की दाल ही एक ऐसी मतलब चीज़ है जो आपको पतला करने में हेल्प करेगी। आपको विदाउट छिलके वाली दाल नहीं लेनी है। देन आपको लेना है यहाँ पे ढेर सारा बथुआ, आप देख सकते हैं मैंने दाल कम ली है और बथुआ ज़्यादा लिया है, बिकॉज मुझे अपने लंच में फाइबर की क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा चाहिए और प्रोटीन की क्वांटिटी भी चाहिए। तो ये दोनों का चीज़ जो है वो आपको अपने लंच में लेना है, यानी 1 मिनट। देन इसके बाद हम इसमें ये मैंने दाल को अच्छे से धो लिया है, बथुए को अच्छे से धो लिया है, देन उसके बाद हम यहाँ पे बथुआ डालेंगे। और इसमें अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। सो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, पानी थोड़ा ही ऐड करिएगा, बिकॉज जो ये बथुआ है ये भी पानी छोड़ेगा। हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी और अपने स्वाद के अनुसार आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। फिर अगर कम ज़्यादा हो तो वो आप बाद में ऊपर से डाल लीजिएगा। देन अब हम इसमें ऐड करेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर और इसको लगाएंगे 2 से 3 सीटी, देन आपका ये पेपर हो जाएगा। और फिर उसका तड़का लगाने की जो मेथड है वो भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। तो जो दाल बनके रेडी हुई है वो हमारी इस तरह से रेडी हुई है। देन आपको इसके बाद इसमें तड़का लगाना है। मैंने यहाँ पे लिया एक तड़का पैन और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी ऑलिव ऑयल, तो ये पूरी समझ लीजिए ये पूरी दाल के लिए इतना मैंने ऑयल डाला है। और जैसे आप तड़का लगाते हो नॉर्मली आप वैसे तड़का लगाओ, आप करी पत्ता भी डाल सकते हो, जो भी आपको डालना हो। देन इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी जीरा, और जब जीरा हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक, आप करी पत्ता भी ऐड कर सकते हो, सब बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। देन इसके बाद ये ढेर सारा लहसुन, बिकॉज इससे इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आएगा।
तो इस तरह से हम इसको भी अच्छे से लाइट ब्राउन कर लेंगे। तो जो हमारा लहसुन है वो भी आप देख सकते हैं हो गया है। इसके बाद हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, आप चाहे तो हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स करके गैस बंद कर देंगे। हींग भी आप डाल दीजिए, बिकॉज अभी मेरी जो हींग है वो ख़त्म हो गई है, तो इसलिए मैं हींग पाउडर ऐड नहीं कर रही हूँ। आप हींग पाउडर भी ये जो मेरा लंच है वो बनके रेडी हो गया है। और मैं भी आपको इसका मेजरमेंट भी दिखाऊंगी कि आपको एक दिन में ये दाल कितनी लेनी है। सो फ्रेंड, दिस इज माय लंच क्वांटिटी, ये जो इस बाउल में आता है। और आप भी अपना एक बाउल सेट कर लीजिए कि उस बाउल में ही आपको अपना लंच लेना है। और इस तरह से आप बनाइए, खाइए, देखिएगा कि वेट बहुत अच्छे से लॉस होगा, आपको कब्ज की दिक्कत नहीं होगी, पेट बहुत अच्छे से क्लीन रहेगा। और जितनी क्वांटिटी में फाइबर एंड प्रोटीन बॉडी में जाना चाहिए उतना आप इस दाल के थ्रू ले लेंगे। तो एक बार ट्राई जरूर करिएगा, और तड़का की बात है तो वो आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बोला कि ये एक डिनर है और बहुत ही ऑसम डिनर है, तो इसके लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं मिल्क। और ये मिल्क मैंने लिया हुआ है फुल क्रीम वाला जो होता है भैंस का, तो इसीलिए मैंने आधा दूध और आधा पानी रखा हुआ है। अगर आप टोंड मिल्क ले रहे हैं तो पानी की क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। और ये फुल फैमिली के लिए है हमारे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दूध लेना है, देन आपको लेनी है इस तरह की कच्ची हल्दी और 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा, और आपको इसे ग्रेट करना है। तो मैंने ग्रेट कर लिया है, और आपको ये जो है दूध में यहाँ पे ऐड कर देनी है। और इसके बाद दूध को आपको अच्छे से चलाना है। तो जिसे हम गोल्डन मिल्क भी बोलते हैं, तो ये उसकी रेसिपी रेडी हो रही है। अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो इसमें गुड़ ऐड करेंगे, और नहीं शौकीन है तो आप गुड़ ऐड नहीं करेंगे। बिकॉज मेरे घर में सब गुड़ खाने के शौकीन हैं, तो इतनी ज़्यादा दूध में मैं सिर्फ इतना गुड़ डालूंगी। ऑलरेडी मैंने अपना दूध निकाल लिया है विदाउट गुड़ एंड विदाउट शुगर, बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैं वेट मैनेज की वजह से ऐसा करती हूँ, मुझे बचपन से ही चीनी या मीठा दूध नहीं पसंद है, मैं ऐसे ही पीती हूँ, तो ये मैं गुड़ इसमें डाल दूंगी। तो आप देख सकते हैं जो हल्दी का एक्सट्रैक्ट है वो दूध में आ चुका है, और गुड़ भी इसमें पिघल चुका होगा, बिकॉज मैंने गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डाला था चाकू से, मैंने प्योर नहीं डाल दिया था वरना वो ज़्यादा टाइम लेते था। तो अब मैं इसे स्ट्रेन करूँगी। तो ये हम सबके दूध रेडी हैं, ये मेरा दूध है और ये सबके दूध हैं। तो इस तरह से आप गोल्डन मिल्क बना के पीजिए, और ऑसम तरीके से वेट लॉस होगा, बॉडी हील करेगी, जितने भी अंदर से दर्द हैं जो भी हैं ठंड में होता है वो नहीं होंगे, और बॉडी में स्वेलिंग नहीं आ पाएगी, ब्लोटिंग नहीं होगी। तो एक बार जरूर ट्राई करिए। आई होप गाइस आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, बींग बिटवीन सुगम करके मेरी आईडी है। साथ ही साथ अगर आपको अपना डाइट प्लान लेना है तो मुझे आगे पर्सनली मैसेज कर देना, वहाँ पे मैं पर्सनल एक्टिव रहती हूँ, तो अगर आपको कोई रिप्लाई जा रहा है इट मींस कि मैं आपको पर्सनल रिप्लाई कर रही हूँ। आई होप गाइस वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल भी मत जाना, और सब्सक्राइब इसलिए भी कर लेना कि क्या पता कल परसों में आपका भी नंबर आ जाए। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए